हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट आर्ट्स। आज हम एक एक्रेलिक पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए चाहिए मटेरियल्स, जो ब्रशेस, 6x6 इंच का एक बोर्ड, कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, लाइक व्हाइट, ब्लैक, कैडमियम येलो, ऑरेंज, लेमन येलो एंड स्टैंडर्ड रेड। फर्स्ट हम थोड़ा सा वाटर लेंगे, अप्लाई करेंगे हम ऑरेंज कलर पूरे बोर्ड में। हम फर्स्ट ऑरेंज कलर दे देंगे, बॉर्डर्स पे हम कलर कर लेंगे, बॉर्डर्स बहुत जल्दी होते हैं। कोई भी पेंटिंग बनाओ, बॉर्डर्स में कलर करना बहुत जरूरी है। अभी हम रेड कलर अप्लाई करेंगे। इट्स अ इवनिंग सीन, देन दैट्स व्हाई इसको हम थोड़ा सा रेडिश लुक देंगे। हम अभी रेड कलर अप्लाई करेंगे, स्पेशली कॉर्नर्स में हम रेड कलर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे। इसको हम मर्ज करेंगे ऑरेंज कलर के साथ। अब हम कैडमियम येलो लेंगे, सेंटर में हम कैडमियम येलो यूज करेंगे, देन योर व्हाइट, अगेन कैडमियम येलो, ये लेमन येलो थोड़ा सा, में हमको थोड़ा सा सनरेज का लुक हमको दिखाना है, इसीलिए हम थोड़ा उसको लाइट कलर में उसको सेटिंग करेंगे। वाइट हम अभी लेंगे, अगेन कैडमियम येलो, इसको अच्छी तरह से हम मर्ज करेंगे फर्स्ट। जब तक हम इसको प्रॉपर एक लाइट कलर का शेड नहीं आ जाता, अभी हम इन सबको पूरे बोर्ड को हम थोड़ा सा मर्ज करके कॉर्नर में हम थोड़ा ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। क्योंकि सनसेट में थोड़ा डार्क होता है, डार्क टोन होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा येलो देंगे बीच में, ये लेमन येलो थोड़ा सा, और इसको हम मर्ज करेंगे अच्छे से। अगेन हम इसको मर्ज करेंगे। सी, जितना हम मर्ज करेंगे उतना हमारा पेंटिंग में रियल लुक आएगा, इसीलिए मर्जिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। देन अभी हम एक ट्री बनाने जा रहे हैं। अभी हम ब्लैक कलर लेंगे, ट्री के लिए हम स्ट्रोक्स देंगे जो कि बहुत सिंपल है। पहले हम इसको थिन लेयर देंगे, देन हम उसका थिकनेस, हम ब्रश में उसका थिकनेस का लुक देंगे। ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में
कर रही हूँ। अभी धीरे धीरे देखिए अभी थिकनेस आ रहा है। जब भी आप एक ट्री बना रहे हो फर्स्ट आप एकदम से हम उसका थिकनेस नहीं देते तो अच्छा रहता है। फर्स्ट हम थिन करके फिर उसका थिकनेस हम निकालते हैं तो बहुत नेचुरल लगता है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट थिन लेयर देंगे देन उसको हम थिक करेंगे। अभी हम इसमें बर्ड बनाएंगे, दो छोटे छोटे बर्ड। यहाँ मैं बिल्कुल बर्ड एक बना रही हूँ। आप ब्रश से डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप पेंसिल से पहले आप उसको ड्रॉ कर लेंगे तो वो ईजी होता है, डिपेंड करता है आपको। अगेन हम छोटे छोटे ब्रांचेस हम निकालेंगे इसको। यहीं से भी आप ले सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। नेचर पेंटिंग इज वेरी इजी। इसमें हम लेक्स बनाएंगे। इट्स अ इवनिंग सीन सो हमको इसको कलर नहीं करना है, बस हमको एक शैडो हमको उसको देना है ब्लैक कलर, बहुत अच्छा लगता है। डैप डैप करके हमको करना है लिप्स, बहुत इजी होता है डैपिंग। ओके बाय, थैंक यू, हैप्पी पेंटिंग, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। इफ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब इट and press the bell icon.